गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित जोशी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गाइड पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, बिकॉज स्पार्क के थ्रू हम एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं सिलेंडर के अंदर। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन में हम दो स्ट्रोक एक साथ लेते हैं। जैसे कि टू स्ट्रोक इंजन में हमारी जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो हमारी 360 डिग्री रिवॉल्व करती है, ठीक, जिसमें कि हमारे फोर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री रोटेट करती है उस टाइम पर हमारे दो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। फिर जब नेक्स्ट हमारी जो क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री रिवॉल्व करती है फिर हमारे दो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्रेशन और इनलेट। टू स्ट्रोक इंजन में हम दो स्ट्रोक एक साथ लेते हैं, बट आपने देखा होगा जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें चारों स्ट्रोक अलग अलग होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। चलिए अब मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। टॉप से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्पार्क प्लग होता है जो कि स्पार्क जनरेट करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए। ये हमारा सिलेंडर है जिसके अंदर हमारा पिस्टन मूव करता है। ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है जिससे कि हमारा बर्न गैसेस बाहर निकलती हैं। इसमें पोर्ट होते हैं और जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें वाल्व होते हैं। ये हमारा इनलेट पोर्ट है जिससे कि हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है हमारा सिलेंडर के अंदर, क्रैंक केस के अंदर। ये हमारा पिस्टन है जो कि हमारा मूव करता है सिलेंडर के अंदर, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक। अब TDC और BDC क्या होते हैं? TDC टॉप डेड सेंटर वो होता है, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ तक हमारा पिस्टन मूव कर सकता है, और बॉटम डेड सेंटर हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ तक हमारा पिस्टन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। चलिए, ये हमारी होती है कनेक्टिंग रॉड जो कि हमारी पिस्टन से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन और गजन पिन। ये कनेक्टिंग रॉड हमारी क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ क्लैंपिंग बोल्ट। ये हमारी क्रैंक है और ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है जो कि हमारी क्रैंक केस में रोटेट करती है। ये हमारा ट्रांसफर पोर्ट होता है जो कि हेल्प करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को ट्रांसफर करने में। यहाँ से हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर ट्रांसफर होता है, ऊपर जाता है यहाँ पर। चलिए अब आपको पहले मैं आपको दो स्ट्रोक समझाऊंगा, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। इस स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है। इसमें हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन होता है जिससे कि हमारा जो फ्रेश चार्ज है क्रैंक केस के अंदर वो हमारा ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए ऊपर जाता है और हमारा जो यहाँ पर बर्न गैसेस होती हैं उसको एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये हमारा डिफ्लेक्टर होता है जो कि पिस्टन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमारा डिफ्लेक्टर होता है जो कि हेल्प करता है हमारा बर्न गैसेस को रिमूव करने के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट स्ट्रोक समझते हैं, कंप्रेशन और इनलेट। कंप्रेशन और इनलेट स्ट्रोक में हमारा जो ट्रांसफर पोर्ट होता है वो क्लोज होता है और एग्जॉस्ट पोर्ट भी हमारा क्लोज होता है। इस स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन होता है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, मतलब BDC से TDC की तरफ मूव करता है। उस टाइम क्या होता है, हमारा जो फ्रेश चार्ज है वो उसको कंप्रेस करता है और उसका एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा देता है। ठीक है, उस टाइम हमारा जो इनलेट पोर्ट है वो हमारा ओपन हो जाता है जिससे कि हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा एंटर कर जाता है क्रैंक केस के अंदर। टू स्ट्रोक इंजन में हमारी केवल एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, एक ही रिंग का यूज करते हैं जो कि होती है हमारी कंप्रेशन रिंग। इसमें हम ऑयल रिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल कंप्रेशन रिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे कंप्रेशन को लीक होने से रोकती है। टू स्ट्रोक इंजन में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर डालते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये हमारा ट्रांसफर पोर्ट है।
ये हमारा डिफ्लेक्टर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।